नेपाल से नमस्ते। हम आपको नेपाल और भारत के बीच विवादित भूमि के बारे में सूचित करना चाहते हैं, जिसमें उत्तर पश्चिम में भारत के साथ नेपाल का सीमा लिम्पिया दर से लेकर कालापानी तक और दक्षिण भाग में सुस्ता सम्मिलित है। 8 मई 2020 को भारत ने चीन तक मानसरोवर के लिए लिपुलेख दर्रे से होकर लिंक रोड का उद्घाटन किया। यह विवाद नवंबर 2019 में भी सतह पर आया था, जब भारत ने अपने तरफ से भारत के राजनीतिक नक्शों में उन क्षेत्रों को भी डाल दिया था। 2015 में जब नेपाल भूकंप के चपेट में था, उस समय पर चीन और भारत सरकार लिपुलेख दर्रे से होकर व्यापार और तीर्थयात्रा करने के लिए सहमत हुए। पिछले 5 वर्षों में भारत की ओर से इन कार्यों के जवाब में नेपाल ने 2015, 2019 और 2020 में भारत सरकार को और 2015 में चीन सरकार को कूटनीतिक नोट भेजा। भारत के साथ नेपाल का उत्तर पश्चिमी सीमा में इस भूमि विवाद का मूल कारण तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल सरकार के बीच सन 1816 का सुगली संधि है, जो मुख्य रूप से लिम्पिया दुरा से निकलती काली नदी को दोनों देश के बीच का सीमा मानता है। ये नेपाल का दावा है कि जबकि भारत का दावा है कि काली नदी लिम्पिया दुरा से लगभग 16 किलोमीटर पूर्व में है। आज का हाल यह है कि भारत ने सन 1962 से उस क्षेत्र में 372 वर्ग किलोमीटर और सुस्ता में 145 वर्ग किलोमीटर नेपाली भूमि अतिक्रमण करके अपने कब्जे में ले रखा है। भारत सरकार ने अलग अलग समय पर नेपाल द्वारा उठाए गए मुद्दे को नोट किया है और कहा है कि वो सुविधाजनक समय पर बातचीत के लिए बैठेगा। हालांकि विदेश सचिव के स्तर पर 2014 में गठित कूटनीतिक वार्ता अब तक संभव नहीं हो पाई है। हम ये बताना चाहते हैं कि विवादित भूमि सहित नक्शा प्रकाशित करना और वहां एक तरफे रूप से सड़कें बनवाना संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 2 भाग 4 का उल्लंघन है। हम भारत सरकार के संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन करते हुए कूटनीतिक बातचीत के माध्यम से सीमा विवाद को हल करने के लिए आग्रह करते हैं और हम इस मुद्दे पर एक स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने के लिए इस तरह के बातचीत के लिए अपने समर्थकों की अपेक्षा करते हैं।